स्विगी के लिए अपकमिंग आईपीओ इस ग्रोथ मोमेंटम को कैपिटलाइज करने के लिए तैयार है। तो तैयारी हो चुकी है एक ब्लॉकबस्टर आईपीओ के लिए जो मार्केट को हिला सकता है। जय माता दी दोस्तों, आज आपका ये दोस्त राकेश बंसल बात करेगा स्विगी के अपकमिंग आईपीओ पर। एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट बिफोर इट्स टू लेट, ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बड़े बड़े नाम अनलिस्टेड में, बिग बी जैसे बड़े बड़े नाम आ रहे हैं अनलिस्टेड में, बड़ी बड़ी डील्स हो रही हैं। सारी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूं, उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया हुआ है तो। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि जब अगला वीडियो आए तो आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिले। तो दोस्तों, अब मैं और मेरी वाइफ शुरू कर रहे हैं आपके साथ शेयर करना स्विगी के अपकमिंग आईपीओ की डिटेल्स। Everything you need to know about before it's too late. तो आज हम बात करने वाले हैं फूड टेक जायंट स्विगी के अपकमिंग आईपीओ के बारे में। अप्रैल में स्विगी ने कॉन्फिडेंशियली अपने आईपीओ पेपर्स फाइल किए थे 104 बिलियन रुपए के लिए 16 से 17 मिलियन डेली ट्रांजैक्शनल कस्टमर्स के साथ। स्विगी का मार्केट शेयर अराउंड 45% है इंडियन फूड डिलीवरी बिजनेस में एज ऑफ मार्च 24। स्विगी के इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग का मेन ऑब्जेक्टिव है कि कंपनी अपनी एक्सपेंशन स्ट्रेटजीज को सपोर्ट कर सके और फूड डिलीवरी के अलावा और भी सर्विसेज ऑफर कर सके। अगर स्विगी का आईपीओ प्लान के अकॉर्डिंग आगे बढ़ता है तो ये इंडिया के बिगेस्ट एवर पब्लिक लिस्टिंग में से एक बन जाएगा। तो अब बात करते हैं आईपीओ साइज की। स्विगी अपने अपकमिंग इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के साथ धूम मचा रहा है और लेटेस्ट न्यूज से पता चलता है कि कंपनी अपने प्लान्स को काफी बड़ा बना रही है। शुरू में स्विगी ने 66.6 बिलियन रुपीस रेज करने का प्लान बनाया था थ्रू एन ऑफर फॉर सेल और रुपीस 37.5 बिलियन वाया अ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स, लेकिन अब फूड टेक जायंट ने इससे ऊपर और आगे बढ़ने का फैसला किया है। 10 सितंबर को स्विगी ने अनाउंस किया कि वो फ्रेश शेयर्स इशू करेगा वर्थ रुपीस 50 बिलियन, जो कि इनिशियली प्लान अमाउंट से रुपीस 12.5 बिलियन ज्यादा है। इसका मतलब है कि टोटल आईपीओ वैल्यू बढ़कर अप्रोक्सीमेटली 1.4 बिलियन यूएस डॉलर्स हो जाएगी, जो कि अर्लीस्ट 1.3 बिलियन यूएस डॉलर एस्टीमेट से ज्यादा है। इस न्यू इश्यूएंस के थ्रू एक एडिशनल 150 मिलियन यूएस डॉलर भी रेज किए जाएंगे। ये मूव स्विगी के आईपीओ को रीसेंट टाइम्स के बिगेस्ट पब्लिक मार्केट डेब्यू में से एक बना देगा। बोर्ड ने इन चेंजेस को फाइनलाइज करने के लिए एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी जर्नल मीटिंग 3 अक्टूबर को शेड्यूल की है। तो तैयारी हो चुकी है एक ब्लॉकबस्टर आईपीओ के लिए जो मार्केट को हिला सकता है। अब बात करते हैं पीयर कंपैरिजन की, स्विगी वर्सेस जोमैटो। स्विगी और जोमैटो इंडिया के फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स मार्केट के दो टाइटन्स हैं। जहां स्विगी गुड़गांव बेस्ड जोमैटो को फूड डिलीवरी में टक्कर देता है, वहीं उसका क्विक कॉमर्स वर्टिकल इंस्टामार्ट जोमैटो ओन्ड ब्लिंकिट, जेप्टो, फ्लिपकार्ट, मिनट्स और टाटा डिजिटल्स बिग बास्केट से कड़ी कंपटीशन फेस करता है। मार्केट शेयर जुलाई में जोमैटो का मार्केट शेयर बढ़कर अप्रोक्सीमेटली 29% हो गया, जो कि स्विगी से 11% ग्रोथ से डबल से भी ज्यादा है सेम पीरियड में। ये सिग्निफिकेंट मार्केट एक्सपेंशन जोमैटो की फूड डिलीवरी स्पेस में स्ट्रॉन्ग पोजीशन को हाईलाइट करता है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, स्विगी और जोमैटो के फाइनेंशियल्स कंपेयर करने से उनके बिजनेस परफॉर्मेंस और प्रॉफिटेबिलिटी में एक क्लियर डिफरेंस दिखता है। नंबर वन, जोमैटोस फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। जोमैटो ने कंसिस्टेंटली स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दिखाया है। अपने क्वार्टर वन फाइनेंशियल ईयर 25 रिजल्ट्स में जोमैटो ने एक इंप्रेसिव नेट प्रॉफिट ऑफ रुपीस 2.5 बिलियन रिपोर्ट किया। ये एक रिमार्केबल टर्नअराउंड है पिछले साल से सेम क्वार्टर में रिकॉर्ड किए गए मियर रुपीस 20 मिलियन प्रॉफिट से। कंपनी का रेवेन्यू भी काफी बड़ा है, रुपीस 42.1 बिलियन तक पहुंच गया है, जो कि पिछले साल से रुपीस 14.2 बिलियन से डबल से भी ज्यादा है। ये ग्रोथ जोमैटो की रॉबस्ट ऑपरेशनल एफिशिएंसी और उसके बिजनेस को इफेक्टिवली स्केल करने की एबिलिटी को अंडरस्कोर करता है। नंबर टू, स्विगी फाइनेंशियल पोजीशन। दूसरी तरफ स्विगी के फाइनेंशियल्स एक ज्यादा कॉम्प्लेक्स पिक्चर प्रेजेंट करते हैं। फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए स्विगी ने रुपीज 112.5 बिलियन का रेवेन्यू रिपोर्ट किया, जो कि जोमैटो के रुपीज 121.1 बिलियन से थोड़ा कम है। हालांकि
स्विगी को रुपीज 23.5 बिलियन का एक सिग्निफिकेंट नेट लॉस हुआ, जो कि जोमैटो की प्रॉफिटेबिलिटी से बिल्कुल उल्टा है। इसके बावजूद स्विगी ने अपने लॉसेस को कम करने में नोटेबल प्रोग्रेस की है, पिछले साल के मुकाबले 44% रिडक्शन अचीव करते हुए। यह इम्प्रूवमेंट लार्जली उसके इंस्टामार्ट क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म की सक्सेस की वजह से है, जो कि उसके ग्रोथ और ऑपरेशनल एफिशिएंसी का एक की ड्राइवर रहा है। ओवरऑल जहां जोमैटो के फाइनेंशियल्स एक स्ट्रॉन्ग और कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी ट्रेजेक्टरी रिफ्लेक्ट करते हैं, वहीं स्विगी रिकवरी और स्ट्रेटेजिक प्रोग्रेस के साइंस दिखा रहा है, स्पेशली अपने एक्सपैंडिंग क्विक कॉमर्स ऑपरेशन के थ्रू। स्विगी के लिए अपकमिंग आईपीओ इस ग्रोथ मोमेंटम को कैपिटलाइज करने के लिए तैयार है, खुद को इवॉल्विंग मार्केट लैंडस्केप में एक सिग्निफिकेंट प्लेयर के रूप में पोजीशन करते हुए। स्विगी आईपीओ टाइमिंग्स चैलेंज। स्विगी का अपकमिंग आईपीओ ऐसे टाइम पर आ रहा है जब जोमैटो का स्टॉक पिछले 6 महीने में 67% से ज्यादा बढ़ चुका है, जिससे ये इंडिया के हॉटेस्ट स्टॉक्स में एक बन गया है। जोमैटो की कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी फॉर 5 consecutive quarters ने इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को बढ़ा दिया है। दूसरी तरफ स्विगी ने अभी तक कंसोलिडेटेड प्रॉफिटेबिलिटी अचीव नहीं की है एज ऑफ द लास्ट फाइनेंशियल ईयर, जो कि उसके सामने मौजूद चैलेंज को हाईलाइट करता है। आपके साथ बिग नेम्स ऑन इन्वेस्टर लिस्ट शेयर करें, उससे पहले प्लीज वॉच दिस। फॉर आवर रिसर्च सर्विसेज विजिट आवर वेबसाइट iamrakeshbansal.com। अंडर आवर ऑफरिंग्स क्लिक ऑन रिसर्च सर्विसेज। इन इंट्राडे सेगमेंट वी प्रोवाइड इंट्राडे एंड बीटीएसटी ट्रेडिंग पिक्स इन कैश एंड ऑप्शन सेगमेंट ऑफ द मार्केट। इन ऑप्शन एंड इंडेक्स सेगमेंट वी प्रोवाइड पोजिशनल स्टॉक एंड इंडेक्स ऑप्शन ट्रेडिंग पिक्स। इन फ्यूचर सेगमेंट वी प्रोवाइड पोजिशनल स्टॉक फ्यूचर्स एंड शॉर्ट टर्म इंडेक्स फ्यूचर ट्रेडिंग पिक्स। अंडर कमोडिटी we give short-term trading ideas on gold, silver, crude, aluminium, copper and zinc. Under our mentorship program, we provide short-term, medium-term, long-term, positional and momentum delivery picks. To know more about us, contact us via WhatsApp. The number is 999-6161-879. To subscribe our technical analysis course, go to our website iamrakeshbansal.com. Under our offering, click on webinar course. Our webinar course is named Kurukshetra Win the Battle. Share Bazaar kisi ranbhumi se kam nahi hai, to tayari zaruri hai. Seekhne ke liye, subscribe our course. To know more about us, contact us via WhatsApp. The number is 999-6161-879. Now big names on investors list. Swiggy ke highly anticipated IPO se pehle, kai secondary transactions hue hain, jisse prominent new investors on board aaye hain. 28 अगस्त को एक मीडिया रिपोर्ट ने बताया कि बॉलीवुड लेजेंड अमिताभ बच्चन की फैमिली ऑफिस ने स्विगी में एक छोटा स्टेक एक्वायर किया है बाय परचेजिंग शेयर फ्रॉम द कंपनीज एम्प्लॉयज एंड अर्ली इन्वेस्टर्स। कैपिटलाइजेशन टेबल में शामिल होने वाले और नोटेबल नेम्स में रामदेव अग्रवाल, चेयरमैन ऑफ मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज और ऑटोमोबाइल मटेरियल्स मैन्युफैक्चरर हिंदुस्तान कंपोजिट्स शामिल हैं। स्विगी के एग्जिस्टिंग ग्लोबल इन्वेस्टर्स भी मेजर प्लेयर्स हैं, जिनमें प्रोसेस, एक्सेल, सॉफ्टबैंक और इन्वेस्को शामिल हैं। प्रोसेस, जिसके पास 33% स्टेक्स हैं, से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो आईपीओ के ऑफर फॉर सेल फेज के दौरान अपने शेयर्स का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन सेल करेगा। इंस्टामार्ट एक्सपेंशन। स्विगी ने 10 सितंबर 2024 को अपनी रीच बढ़ाई और अपने टोटल ऑपरेशनल सिटीज को 43 तक पहुंचा दिया। पिछले 2 महीनों में स्विगी ने इंस्टामार्ट को 11 इंडियन सिटीज में लॉन्च किया, थिसुर, मैंगलोर, कानपुर, उदयपुर, वारंगल, सेलम, अमृतसर, भोपाल, वाराणसी, लुधियाना और राजकोट। कंपनी लोकल ब्रांड्स और वेंडर्स के साथ भी पार्टनरशिप कर रही है ताकि कस्टमर्स को उनके रीजनल प्रेफरेंसेस के बेस्ड प्रोडक्ट्स तक एक्सेस प्रोवाइड की जा सके, जैसे कि नारंस फूड एंड आइडियल आइसक्रीम इन मैंगलोर, टॉप इन टाउन ब्रेड्स एंड अंडा इन भोपाल एंड मिल्मा मिल्क एंड नोवा बेकर्स इन थैसूर। स्विगी इंस्टामार्ट का प्लान है कि वो tier 2 और 3 मार्केट्स में अपनी प्रेजेंस को और मजबूत करे बाय एक्सपेंडिंग इट्स डार्क स्टोर नेटवर्क अक्रॉस एग्जिस्टिंग एंड न्यू सिटीज एंड इंक्रीजिंग इट्स असॉर्टमेंट टू हैंडल द राइजिंग डिमांड। लास्ट वीक स्विगी ने एक इनकॉग्निटो मोड फीचर लॉन्च किया, जिससे यूजर्स प्राइवेट ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हैं
उसके फूड और इंस्टामार्ट प्लेटफॉर्म पर। नाउ टू कंक्लूड, इंडिया में रफली 600 मिलियन से ज्यादा इंटरनेट यूजर्स और 185 मिलियन ऑनलाइन शॉपर्स के साथ कंट्री के पास यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना के बाद तीसरा सबसे बड़ा डिजिटल शॉपिंग बेस है। इंडिया का D2C मार्केट एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में 30-40% CAGR की एक्सपोनेंशियल रेट से ग्रो करेगा। पेंडेमिक ने ऑफलाइन और ऑनलाइन शॉपिंग के एवल्वेशन को बढ़ाया है। ब्रांड्स अब ऑनलाइन सेल्स चैनल के साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं ताकि कस्टमर्स के लिए एक सीमलेस शॉपिंग एक्सपीरियंस एंश्योर कर सके। मार्केट में एक्सपेक्टेड ग्रोथ मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स जैसे कि पर कैपिटा अर्निंग्स में ग्रोथ के साथ साथ ट्रेंड्स जैसे कि ब्रांड्स की वैरायटी में एक्सप्लोजन और पर्सनलाइजेशन पर इंक्रीजिंग फोकस से भी एड की जाएगी। इन इंडस्ट्री ट्रेंड से सेक्टर परफॉर्मेंस इन्हांस होने की उम्मीद है और स्विगी इन फेवरेबल डेवलपमेंट से बेनिफिट उठाने के लिए पोजीशन में है। कई एक्साइटिंग प्लेयर्स के एमर्ज होने के साथ ये एक फैंटास्टिक टाइम है इस स्पेस में अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर करने के। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले थॉरो रिसर्च करना ना भूलें। एंश्योर करें कि इन्वेस्टमेंट आपके फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स के साथ अलाइन हो और आपके रिस्क टॉलरेंस से मैच करता। तो दोस्तों, आज हमने आपके साथ स्विगी के अपकमिंग IPO की पूरी डिटेल्स आपके साथ शेयर करी है, जो आपको हेल्प करेगा वेदर यू नीड टू बाय स्विगी इन अनलिस्टेड मार्केट में आपको खरीदना है कि नहीं खरीदना है। अपकमिंग IPO जब इसका आएगा उसमें आपको एप्लीकेशन लगानी है कि नहीं लगानी है, तो पूरा कंटेंट हमने आपके साथ शेयर करा है। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये कंटेंट जो है वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग फुल वीडियो। जय माता दी। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। पास्ट परफॉर्मेंस डज नॉट गारंटी फ्यूचर।